बोलो क्या करें, 33 रुपए कटे कटे 33 रुपए दो। नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे बताओ? हम दे तो रहे हैं तो 20 रुपए में टिकट लोगे? कैसे जाएगा 20 रुपए में? ₹20 देते कैसे जाओगे? यही तुम चिड़गांव पे रोल करते थे डेली का, डेली का चिड़गांव जाते थे 30 रुपए में, बड़े गांव जाते थे चिड़गांव का। आप 30 रुपए दो, 33 रुपए का टिकट है, मैं 30 रुपए मांग रहा आपसे। बताओ 20 रुपए में थोड़ी जाओगे? किराया नहीं दे रहे क्या? 20 रुपए किराया है तुमसे पूछ रहे भैया? बरुआ सागर का कितना किराया है? 33 रुपए किराया है भैया इनका डेली का नियम है, 20 रुपए देती है, 33 रुपए का टिकट है। 39 सेकंड के इस वीडियो को तो आपने देख लिया और काफी हद तक भी आप पूरा मामला समझ गए होंगे कि बस कंडक्टर मैडम जी से बस के टिकट को लेकर बहस कर रहा है, मगर होम गार्ड वाली मैडम है कि 33 रुपए किराए देने के बजाय 20 रुपए देकर व्हाट्सएप में लगी है। 20 रुपए देती है, 33 रुपए का टिकट है। कंडक्टर बार बार बोल रहा है कि मैडम किराया 20 नहीं 33 है, मगर मैडम जी हैं कि उनकी कान पर जू तक नहीं रेंगती और वो मस्त होकर व्हाट्सएप में लगी है। वैसे ये तो थी होमगार्ड वाली मैडम और कंडक्टर के बीच की बहस। अब आपको दिखाते हैं नकाब पोश होमगार्ड वाली दीदी का एक्शन वाला अंदाज। देखिए बस खाली होने के बाद अब मैडम कैसे एक के बाद एक रैपट कंडक्टर के सर पे मार रही हैं। कभी बोतल मारती हैं, कभी थप्पड़। अब इसको क्या कहा जाए, मैडम जी का भौकाल या मैडम का एटीट्यूड? डिसाइड आप करना और कमेंट करके जरूर बताना। अब आपको मगर सुनाते हैं कंडक्टर से कि आखिर पूरा मामला था क्या। मैं सिटी बस में कंडक्टर हूं सर। चांची से बस स्टैंड बरुआ सागर के लिए बस चल रही थी, उसमें एक महिला यात्री यात्रा कर रही थी, कर्मचारी होमगार्ड है, महिला होमगार्ड, उसने यात्रा कर रही थी। उससे किराया मांगा तो 33 रुपये किराया, उससे मांगा तो बोल रही है किराया 20 रुपये दूंगी, वरना बिल्कुल नहीं दे रही, जो करना वो कर लूँ। झांसी से बरुआ सागर के रूट पे किस थाने का मामला बता रहे हैं? बरुआ सागर थाने का। कांस्टेबल किस थाने की थी? कांस्टेबल बरुआ सागर थाने में है। बरुआ सागर थाने में। हाँ। अभी तक आपने इस मामले की शिकायत किस किस को दी है? हमने यहाँ थाने में दे चुके हैं, उसी दिन दी थी हमने, 13 तारीख को दी थी। उसके बाद हम लोग आज यहाँ से कोई कंप्लेन नहीं मिली हमको, ना रिप्लाई लिया, कुछ नहीं दिया हमने, तो हम लोग SM के पास गए थे, SP ऑफिस, DIG ऑफिस गए थे, मंडल अध्यक्ष गए थे। आपके जो पीछे खड़े हुए हैं ये लोग कौन हैं? जी सब लोग आज आए हैं कंप्लेन थाने में, आज कंप्लेन करने आए हैं, तो उसमें बोल रहे हैं कि आप 13 तारीख की जगह 15 तारीख करो तब हम मुकदमा लिखेंगे, जबकि महिला का 13 तारीख का ही मुकदमा लिख रहे हैं, 13 तारीख का एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं, हम लोगों को दबाव डाल रहे हैं। और उल्टा हमने बोला है कि आप क्यों नहीं कर रहे 13 तारीख करो, तो बोल रहे हैं कि आप कौन हो, कप्तान हो, कौन हो तुम, चिल्ला के बात कर रहे हैं। हमारे पास पूरी वीडियो फुटेज सब कुछ है उसका, कैमरे का, जो अंदर वार्तालाप हुई है, उसने गाली गलौज की, मारपीट की हमारे साथ पूरी, और उसमें बोल रहे हैं दो गाड़ी के कंडक्टर हो तुम, कुछ नहीं कर पाओगे मेरा महिला का। अगर तो आगे अगर इस मामले पर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कदम उठाएंगे? हाँ, हम आज फिर थाने में कंप्लेन करने आए, तो थाने में सीधा सीधा बोला जा रहा है वो महिला है तुम फंस जाओगे, वो महिला है तुम फंस जाओगे, बार बार दबाव दे रहे हैं। थाने में आपके मामले को सुना है या नहीं? नहीं सुन रहा है साहब, थाने में कोई नहीं सुन रहा है, दबाव डाला जा रहा है उल्टा। चोट कहाँ कहाँ लगी है आपको, कहाँ मारा है? जिस सिर में लगी है, जो चोट आई थी, एक सर में भी चोट आई है, बोतल वगैरह मारी है, ले आइए यहाँ तक, सर लगी है, यहाँ घुटी में लगी है थोड़ी। असल में ये पूरा मामला है झांसी का, जहाँ ई बस के कंडक्टर के साथ महिला पुलिस होमगार्ड द्वारा मारपीट का एक वीडियो सामने आया। पीड़ित बस कंडक्टर मनीष कुमार ने बताया कि जब वो बस में बैठी सवारी से बस की यात्रा को लेकर किराया मांग रहे थे, तभी बस पे यात्रा कर रही झांसी के बरुआ सागर थाने की महिला होमगार्ड यशोदा मिश्रा झांसी से बस में बरुआ सागर जाने के लिए बैठी। जब उनसे किराया मांगा गया जो कि 33 रुपए है, तो उन्होंने 20 रुपए देने चाहे, लेकिन जब बस कंडक्टर ने उन्हें पूरा किराया देने को कहा तो कंडक्टर से विवाद करने लगी। और जब बस बरुआ सागर पहुंची तो महिला होमगार्ड ने बस में उतरते वक्त कंडक्टर के साथ मारपीट करते हुए उनके गाल पर 3-4 रैपट को रसीद कर दिया, जिसका वीडियो बस में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पीड़ित बस कंडक्टर ने मामले को लेकर शिकायत की है, अब जिसकी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम ब्रांच।